हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब। और आज हम लोग एनटीएससी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एनटीएससी यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन टेस्ट है जो एक नेशनल लेवल पे होता है। एनटीएससी जो है एनुअली सिर्फ एक बार होता है साल में एक बार, वो भी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो 10 स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग होते हैं या परस्यू कर रहे होते हैं क्लास 10th, और ये एग्ज़ाम दो स्टेजेस में होता है, स्टेज वन एंड स्टेज टू। स्टेज वन में जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो स्टेज टू के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टेज वन स्टेट लेवल पे होता है एंड स्टेज टू नेशनल लेवल पे होता है। और स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए स्टूडेंट्स को दोनों ही स्टेजेस क्वालिफाई करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स जो है वो दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन तरीक़ों से एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं स्टेज वन, वही अपीयर कर सकते हैं स्टेज टू, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है, एग्ज़ाम लेवल दो स्टेजेस में होता है, जो मैंने बता दिया है, स्टेज वन एंड स्टेज टू। एलिजिबिलिटी जो है वो भी बता चुकी हूँ, क्लास 10th परस्यू कर रहे हों वो स्टूडेंट्स एंड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज हो उनकी। नेक्स्ट जो है, एग्ज़ाम में मोड जो होता है वो पेन पेपर मोड या फिर ऑफलाइन बेस्ड होता है। एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होता है, स्टेज वन एंड स्टेज टू दोनों ही का एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है, यानी 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं मैट और सैट दोनों ही पेपर्स। तो मैट के लिए 2 आवर्स सेपरेट मिलते हैं, सैट के लिए 2 आवर्स होते हैं। मैट इज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट होता है। एंड सैट इज़ स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की जाती है, जैसे कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट जो है, आज हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में। तो एनटीएससी सिलेबस जो है, जो मैथ के लिए है, उसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही इंक्लूड होती है। तो वर्बल रीजनिंग में यहाँ पे एनालॉगी, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वेरीफिकेशन ऑफ ट्रूथ और स्टेटमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, इंसर्टिंग अ मिसिंग कैरेक्टर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे ही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट नॉन वर्बल रीजनिंग कवर करते हैं क्लासिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट पेपर फोल्डिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इनकम्प्लीट फिगर्स, सीरीज, एम्बेडेड फिगर, वाटर इमेजेस, फोल्डिंग पेपर कटिंग, एनालॉगी, डॉट फिक्सिंग सिचुएशन, प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब्स एंड डाइस। नेक्स्ट जो है, सैट का, सैट के लिए साइंस का सिलेबस जो है वो बेसिकली, ये जो सैट का सिलेबस होता है ये आपके 9th-10th लेवल बेस्ड ही होते हैं। जो 9th-10th में आपने जो पढ़ा होगा वही ही इंक्लूडेड होते हैं। थोड़ा सा एक लेवल अब भी हो सकता है जो लेवल होता है क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें इंक्लूडेड है एसिड बेसिस इन सॉल्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लाइफ प्रोसेस मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, रिप्रोडक्शन, साउंड, द यूनिवर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ह्यूमन बॉडी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सम कॉमन डिजीजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वर्क एंड एनर्जी, एयर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लाइट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आर एनवायरमेंट, सोइल, साउंड ऑफ एनर्जी एंड वाटर। सो ये जो सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं साइंस के, ये सारे ही आपके 9th-10th सिलेबस से ही लिए गए हैं, CBSE करिकुलम बेस्ड। एंड NCERT जो है, NTSC रिकमेंड्स स्टार्टिंग ओनली NCERT, एंड रेस्ट जो है, जो कुछ थोड़े बहुत लेवल अप सिलेबस आता है या क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही होते हैं 20%, वो आपको इधर उधर से देखना पड़ता है। मोर नॉलेज आपको होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की। नेक्स्ट जो है, सोशल साइंस सिलेबस
जो है इसमें एग्रीकल्चर, ब्रिटिश राज, डाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड, 18 सेंचुरी, पॉलिटिकल फॉर्मेशन, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, द दिल्ली सल्तनत, नेशनलिज्म इन वेरियस कंट्रीज, द जुडिशरी, यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाटर रिसोर्सेज, एटमोसफेयर, कल्चर, साइंस एंड लिटरेचर, अर्ली मिडिवल पीरियड, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिसोर्सेज एंड रेवोल्यूशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, द मुगल एम्पायर, वैदिक पीरियड, पॉपुलर मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स, मेडिवल आर्किटेक्चर, कल्चर, आर कंट्री इंडिया, सोशल सोलर सिस्टम, वर्ल्ड हिस्ट्री, बायोस्फेयर, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस, अर्ली स्टेट्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडस्ट्रीज, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिस्टेंट लैंड्स, मोशन ऑफ अर्थ, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, पॉपुलेशन, नेचुरल वेजिटेशन, यूनियन गवर्नमेंट एंड द मौर्यंस। तो मौर्यस, तो ये जो सोशल साइंस का भी सिलेबस है, ये हमारी जो सोशल साइंस की 9 to 10th NCERTs हैं, इनसे ही चैप्टर्स, उनमें आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारा सिलेबस ये कवर्ड अप मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे बुक्स कवर हैं इस सिलेबस में। नेक्स्ट जो मैथ्स का सिलेबस है फॉर NTSC SAT, वो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बेसिक ज्योमेट्री, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, मेंसुरेशन, प्लेइंग विद नंबर्स, रेशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस, एक्सपोनेंट, नंबर सिस्टम, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वेयर एंड क्यूब रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सर्कल एंड ट्रायंगल्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बेसिकली ये था आप लोग के सारे मैथ सैट सिलेबस, पूरा एलिजिबिलिटी मैंने बताया, पैटर्न बताया NTSC का। एंड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर है, उसमें हम कवर करेंगे ओनली द एग्जाम पैटर्न, केवल एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, और कैसे हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं टू क्वालिफाई NTSC, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।